हेलो भाई, देखिए हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो रेडमी 5 है। इसको हमको रीस्टार्ट मारना है, तो चलिए हम आपको बताएंगे कि रीस्टार्ट कैसे मारा जाता है। तो पूरा सेटिंग इस वीडियो में रखा हुआ है, तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा कि रेडमी 5 है जो इसको रीस्टार्ट करके फिर से नया कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं। चलिए गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइज शुरू करते हैं। चलिए उसके लिए आपको सेटिंग ओपन करना है, तो चलिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे टाइप कर दिया है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बैकअप लिख लेते हैं या रिसेट लिखते हैं, कई सर्च कर लिया जो यहाँ पे अभी आ चुका है फर्स्ट में, बैकअप एंड रिसेट, तो हमको इस पर टाइप कर देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे सिंपली यहाँ पे देख लेना है कौन सा अकाउंट है, आप चाहे तो इस अकाउंट को लिख कर रख सकते हैं अगर पासवर्ड याद है तो, नहीं तो आप यहाँ से न्यू ऐड अकाउंट करके अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री डाटा रिसेट, तो हम इस पर टाइप करके अपना मोबाइल को है जो नया करेंगे, तो इसी पे हमको टाइप करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे बोल रहा है ऑल फाइल ऑन द फोन फॉर्मेट मॉक एसडी कार्ड, यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा आपका जो एसडी कार्ड में फ़ोटो है या गाना वीडियो सब है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना वो सब निकाल लेना। तो चलिए यहाँ पे रिसेट फ़ोन करते हैं, स्क्रीन लॉक यहाँ पे देना है, तो चलिए मैं स्क्रीन लॉक दे दिए गाइस। फाइनली 10 सेकंड हो गए, उसके बाद में ओके करते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ऑन हो रहा है, देखो गाइस फाइनली जो मेरा मोबाइल है यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। अब जो है यहाँ से हम फोन को ओपन करके आपको दिखाएंगे नया सेम की तरह, यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ा वीडियो जूम करके आपको हम पढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो लैंग्वेज आएगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे पूछ रहा है नेट कनेक्शन, तो आप चाहे तो वाईफाई दे सकते हैं या अपना सिम जो है लगा सकते हैं, तो चलिए हम इसमें वाईफाई देंगे। करिए आपको यहाँ पे स्किप कर देना है, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे एक टिक लगा देना है जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मांग रहा है सिम, तो यहाँ पे सिम लगाना होगा, तो चलिए हम सिम लगा के आपको दिखाते हैं, जल्दी से सिम लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे सिम जो है उठा लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टावर आ चुका है, तो चलिए हम यहाँ पे स्किप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन पे टाइप करके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट करना रहता है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा अपना, ठीक है गाइस। तो जो मैं सिम लगाया उस पर अभी रिचार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ पे वाईफाई दे सकता हूँ। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे कॉपी और डाटा मांग रहा है या सेटअप एज न्यू, तो आपको मतलब जिस तरह करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जब कॉपी और डाटा करना है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा जो एमआई का अकाउंट बनाए थे, अगर नहीं है तो आपको सेट है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है, कंटिन्यू पे टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट पे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप पूछ रहा है स्क्रीन लॉक या पिन, आप चाहो तो सेट कर सकते हैं अभी या चाहे आप बाद में भी कर सकते हैं, तो इसके क्या। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है आप किस में चलाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा मोबाइल जो है रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, अब स्टार्ट हो रहा है गाइस। देखिए यहाँ पे अभी लोडिंग एप्स ले रहा है, तो थोड़ा देर हम यहाँ पे वेट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस मेरा जो मोबाइल है रजिस्टर हो चुका है, यहाँ पे गेट इट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एकदम नया की तरह दिख रहा है, जो कि मैं दुकान से लिया था तो इस तरह दिख रहा था, जो अभी पूरा नया है, सेम टू सेम आप लोग देख सकते हैं पूरा नया है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा सा कोई कमेंट कीजिए। चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।